गुना लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने चुनावी क्षेत्र शिवपुरी की अपहृत हुई लड़की को वापस लाने के प्रयास किए हैं। इसके लिए उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है। 19 मार्च को सुबह सिंधिया को पता चला कि शिवपुरी के धाकड़ समाज की एक बेटी जो कोटा राजस्थान में पढ़ाई कर रही थी उसका अपहरण हो गया है। आरोपियों ने अपहरण के 48 घंटे के बाद बच्ची के पिता को संपर्क किया और पैसों की मांग की। जब परेशान पिता की खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची तो वह तुरंत ही इस मामले की तहकीकात में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बातचीत की और राजस्थान पुलिस द्वारा मामले की जल्द से जल्द तहकीकात कर बच्ची को वापस लाने का आग्रह किया। हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो और मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहाँ राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। अपना ख्याल रखना और जो भी बात होगी सीधा मुझे फोन करना और मैं भी आपके संपर्क में रहूंगा। बिल्कुल।